1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के तीन मुसलमान मुल्कों को एयरफोर्स और आर्मी को तबाह करके रख दिया, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मुसलमान मुल्कों की फजाइया जमीन पर ही तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से हम इसराइलियों को मार के गिराते हैं वहां पे। उससे पहले अल्लाह के फजल से हम इंडियन एयरफोर्स का गुरू खाक में मिला चुके होते हैं। एमएम आलम साहब 30 सेकंड में 5 इंडियन जहाज शुरू में ही मार के गिराते हैं, उसके बाद इंडियंस को जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान में दाखिल हो। अल्लाह के फजल से 1967 में भी डिस्ट्रॉय द इसराइली एयरफोर्स, उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल